हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ हमेशा अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूं मोस्ट वांटेड टॉपिक। काफ़ी दिन से, अप्रॉक्स 6 मंथ से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे सप्लीमेंट के बारे में, और मैं इसको रोक रही थी क्योंकि सप्लीमेंट एक कॉस्टली अफेयर है। रिजल्ट नो डाउट बहुत बहुत ट्रमेंडस आता है, बट एक कॉस्टली अफेयर है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वही इसको कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये है 5 मैजिकल सप्लीमेंट फॉर टमी तक। जो सप्लीमेंट मैं आज बताने जा रही हूँ वो 5 ऐसे सप्लीमेंट है जो टमी टक कर देते हैं और बहुत अच्छे से आपको फिट करके टमी टक करते हैं। और मैंने पहले भी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो आप नेचुरल चीज़ जो घर पे होते हैं जो मिलता है, उसमें काफ़ी सारे टमी टक्स बताए हैं, और आगे भी आपको अगर ड्रिंक चाहिए होगा तो बिल्कुल बताऊँगी। लेकिन सप्लीमेंट एक डिफरेंट फेज़ होता है जहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डब्बे से कैप्सूल्स निकालते हैं और वो खा लेते हैं। दूसरी मिथ मैं दूर करना चाहती हूँ, सप्लीमेंट दवाई नहीं होती है, मेडिसिन नहीं होता है। सप्लीमेंट आपके नेचुरल प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्ट होता है। जो भी सप्लीमेंट होते हैं वो केमिकल्स बहुत कम होते हैं। अगर वो किसी तरह के एलिमेंट्स या मेटल से पाए जाने वाले चीज़ होंगे तो ही वो सप्लीमेंट में थोड़ा सा केमिकल पाया जाता है, वरना जितने भी सप्लीमेंट जो मैं बताने वाली हूँ सारे नेचुरल प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्टेड हैं। और मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट का को ही एडवाइस कर सकती हूँ। तो बिल्कुल जो बता रही हूँ उसको बिना झिझक आप खा सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो सप्लीमेंट मैं बता रही हूँ वो इंडियन ब्रांड नहीं बता रही हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रही। जो भी लिंक शेयर करूँगी वो बाहर की कंपनी होगी, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है जो मैंने अपने पेशेंट्स पे देखा है। तो फर्स्ट सप्लीमेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हर घर की फीमेल और मेल इस चीज़ से परेशान रहते हैं, इम्बैलेंस से, पोटेशियम। पोटेशियम जिसके भी बॉडी में कम होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं स्वेलिंग से, ब्लोटिंग से। उनका बॉडी, जिनकी भी बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा हो या सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो, वो बहुत जल्दी ब्लोट कर जाते हैं, और सूजने की वजह से, स्वेलिंग की वजह से और ब्लोटिंग की वजह से बॉडी में म्यूकस आ जाता है। और म्यूकस जो होता है इनडायरेक्ट फैट होता है। अगर बॉडी में कफ बहुत ज़्यादा रहेगी, 21 डेज अगर कफ रह जाती है आपके बॉडी में, तो 2-3 प्रॉब्लम आपको जनरेट हो जाएगी। बाल झड़ना, स्किन खराब हो जाएगी, पिंपल्स आने लगेंगे, और मोटे तो आप होंगे ही, वो फैट में बदल जाता है म्यूकस। म्यूकस सिर्फ आपके लंग्स में, हार्ट के बाद नहीं जमता, इनफैक्ट आपके वेस्ट में, फीमेल्स के तो टमी और वेस्ट में भी जमता है, जिसकी वजह से वो ब्लोट करते हैं, या कम जो आप बनाना फैट देखते हैं फीमेल्स में, जो कमर चौड़ी हो जाती है, या जांघों की बात लोग करते हैं कि थाइस बहुत हैवी है और कमर बहुत हैवी है। अगर पोटेशियम डिसबैलेंस होता है और वाटर रिटेंशन बहुत हाई हो, ऐसे सिचुएशन में आपका वो भारी हो जाएगा, क्योंकि म्यूकस जमता अगर सोडियम बहुत ज़्यादा लेंगे तो। एक तो सोडियम क्लोराइड से बचने की कोशिश कीजिए, तो आप पिंक सॉल्ट खाओ, सेंधा नमक खाओ, और पोटेशियम को बैलेंस करो। बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है पोटेशियम सिट्रेट, जो कि आपके बॉडी में जाते ही ब्लोटिंग को कम करना शुरू करता है। ये ब्लड के एसिड को कम करता है, अल्कलाइन करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड होने का खतरा बहुत कम होता है। अगर ब्लड में एसिड रहेगा तो स्टोन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, किडनी स्टोन या गोल्ड ब्लैडर स्टोन होने का बहुत डर होता है। फीमेल के हार्मोन को बैलेंस करता है, स्वेलिंग नहीं आने देता है। बहुत ज़्यादा अगर आपके कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रही होती है ब्रेन में या टिश्यू में या हार्ट में, तो उसको काम करता है, शांत करता है, तो बहुत सारे स्ट्रेस से बचाता है। अगर पोटेशियम का डिटेल चाहिए होगा तो बिल्कुल बताइएगा, मैं वीडियो उस पर बना दूंगी। नेक्स्ट सप्लीमेंट है विटामिन B1, थियामाइन। थियामाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को बहुत कूल एंड काम रखता है। अगर नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा और टेंशन में रहेगा, तो मैंने पहले भी बताया कि अगर बहुत थकान महसूस करोगे तो ब्लोट हो जाओगे, अगर बहुत ठंड महसूस करोगे तो ब्लोट हो जाओगे, बहुत कफ महसूस करोगे तो ब्लोट हो जाओगे, और बहुत गर्मी महसूस करोगे तो भी ब्लोट हो जाओगे। बॉडी किसी भी तरह के इरिटेशन को अगर जैसे ही लेता है वैसे ही बॉडी वाटर खींचने लगता है, वो उसका रेस्क्यू सिस्टम होता है, अपने आप को बचाने के लिए एनवायरनमेंट से नरिशमेंट लेने लगता है, और वो नरिशमेंट आपके बॉडी वो सर्वाइवल के लिए लेता है, लेकिन आप स्वेल हो जाते हैं, उसी को ब्लोटिंग कहते हैं। तो थियामाइन उस चीज से बचाता है, आपके नर्वस सिस्टम पर ही काम करता है और उसको कूल कर देता है।
ये आपके कार्ब मेटाबॉलिक रेट को भी बहुत हाई रखता है, और कार्ब ही एक ऐसी चीज़ है जो ब्लोट करने में सबसे ज़्यादा कारण बनती है। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट है विटामिन B5, जिसको डी पैंथनॉल भी कहते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी शैम्पू सोप क्रीम पाउडर में दिया रहता है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अगर आगे आप बोलेंगे तो इसकी बहुत सारी क्रीम शैम्पू पाउडर्स बनते हैं सेम इसी कैप्सूल से जो ये है। और इसको एक चीज़ और बोलते हैं जो एक केमिकल नाम जो इसको दिया गया है, जैसे थियामाइन B1 बोला जाता है वैसे ही ये है पेंटोथेनिक एसिड। ये एसिड नाम लिखा होता है लेकिन ये एक आप कह सकते हैं एसिड को बैलेंस करता है, बॉडी को बहुत ग्रोथ देता है, स्किन बहुत अच्छी कर देता है। ये एक पॉजिटिव एसिड है जो आपके बाल को खूबसूरत बना देता है, जो आपके स्किन के को ग्रोथ देता है, जो आपके मसल्स को ग्रोथ देता है। जब स्ट्रेन नहीं रहती है बॉडी में तो अपने आप ब्लोट नहीं करते, टमी के कंट्रैक्शन को मिटाता है। कई बार आपने देखा होगा उठने बैठने पर पेट में स्ट्रेन आ रही होती है, उसको कंट्रोल करता है ये। नेक्स्ट सप्लीमेंट है मैग्नीशियम। मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और अगर मैं मैग्नीशियम ना लूँ तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क में रहती हूँ और बहुत लंबे समय तक काम करती हूँ। मैग्नीशियम का काम होता है आपके बॉडी के स्ट्रेन को मिटाना, आपके ब्रेन के स्ट्रेन को मिटाना, नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखना, क्योंकि जब बॉडी में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आती है तो आप रात को सो नहीं सकते। और ब्लोटिंग को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि फुल नाइट नींद आए, आपको किसी तरह की डिप्रेशन ना हो, आपके बॉडी में स्ट्रेस ना बने। मैग्नीशियम एक तरह से डिफरेंट ढंग से काम करता है कि आपको बरसों की अगर कोई ऐसी पेन हो जो ठीक नहीं हो रही है और कितने भी पेन किलर खाते हो और आपको बीमारी समझ में ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है, तो मैग्नीशियम की भारी कमी होगी आपके अंदर जो आप कभी टेस्ट भी नहीं करवाते होंगे। तो मैग्नीशियम सिट्रेट खाने से बॉडी के अंदर की एलर्जी मिटती है। एक चीज आप देख रहे होंगे, हर जितनी भी मैं आपको सप्लीमेंट बता रही हूँ सबके आगे सिट्रेट लगा है। मैं क्लोराइड या दूसरा पसंद नहीं करती हूँ। सिट्रेट से जिनको भी सिट्रिक एलर्जी होती है, और ब्लोट करने वाले को सिट्रिक एलर्जी होती ही होती है, सिट्रेट काटता है इस चीज़ को। इसीलिए जो भी सप्लीमेंट मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ उसके आगे सिट्रेट लगा हुआ है, वो अपने आप में एक सिट्रिक होता है जो कि फाइट करता है आपके सिट्रिक एलर्जी से और आपके ग्लूटेन एलर्जी से, और ये दो एलर्जी ही आपको ब्लोट करती है। अगर आपको प्रोटीन रेसिस्टेंस हो जाएगा तो एक बार को आप चर्बी से मोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिट्रिक एलर्जी हो जाएगी या फिर आपको ग्लूटेन एलर्जी हो जाएगी तो आप ब्लोट कर जाएंगे, आपकी टमी बाहर हो जाएगी। इसीलिए ये इंच लॉस करने में बहुत पावरफुल होता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट, बहुत भारी भरकम नाम, मोस्टली फीमेल मेल को ये प्रॉब्लम होती ही होती है, D3 की डेफिशिएंसी। हर कोई बात करता है कि मैं इसके बारे में बताऊं, एक दिन बिल्कुल मैं उसके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, बट आज थोड़ा सा नॉलेज मैं इसमें दे दूं। D3 की प्रॉब्लम जिसको भी होती है वो ब्लोट रहते हैं, उनके बॉडी में इतनी शक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कैल्शियम की कमी रहेगी तो हड्डियों में दर्द होगा, D3 की कमी से भी हड्डी में तो पेन होता ही है, मसल्स क्रैम्प भी बहुत आते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन बॉडी में बना रहेगा तो आप ड्रॉपर की तरह हो जाते हैं, जिस तरह से ड्रॉपर को पानी में दबा के डालो और छोड़ो जैसे ही तो पानी अंदर चली जाती है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप वेदर से रेगुलर वाटर अब्जॉर्ब करते रहते हैं, आपका एक एक सेल पोर अब्जॉर्ब करता है और आप ब्लोट कर जाते हो। D3 की कमी से चेहरा सूज जाता है, आईलिड हैवी हो सकती है, आपको टर्की नेक आ सकते हैं जो डबल चिन एकदम भारी भरकम होता है और गर्दन भारी हो जाती है। मुझे D3 की कमी बहुत दिन तक रही है और अभी भी है, इस वजह से नेक बहुत भारी रहती है। तो ऐसी चीज़ें होती है D3 की कमी से, टमी मफन टॉप आगे ना केक की तरह टमी निकला रहेगा नाभि के पास। ये मेल हो या फीमेल दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी रहते हैं क्योंकि आपको थकान बहुत ज़्यादा रहेगी। आप अगर AC से बाहर जाते हो तो आपको बहुत जल्दी गर्मी लगेगी, AC में बैठ जाओगे तो बहुत जल्दी सर्दी लगेगी, यूरिन पास बहुत कभी गम ही नहीं होगा, कभी बहुत ज़्यादा करने लगोगे। तो D3 की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और इसलिए D3 का सप्लीमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी डोजेज है, जितने भी सप्लीमेंट मैं बता रही हूँ, प्लीज़ इसके डोजेज जाके मेरे वेबसाइट पे देखिए डू एंड डोंट्स के साथ कि क्या डूज एंड डोंट्स है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है वो देखना। आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं कि कैसे खाएं, तो वो लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट, पहला जो कमेंट मेरा होता है पिन कमेंट, उसमें आप वेबसाइट पे जाके देखो, सबका डोज वहां पर मेंशन है।
और अगर आपको नेचुरल रेमेडी के साथ सप्लीमेंट्स अपने डिजीज के लिए आइडिया चाहिए होगा, तो ऐसे वीडियो अगर और चाहिए सप्लीमेंट्स के जो आपके डिजीज से, जैसे स्टोन है या हाई बीपी है या डायबिटीज है, इस तरह का कुछ भी चाहिए होगा, तो आप मुझे बिल्कुल बताइए कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। और अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट पे अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको थम्स अप दें, मेरे वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को, बेल आइकन को टैप जरूर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।